मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब तक मैं सौम्या के दिल दिमाग जबान सोच इन सबको कंट्रोल नहीं कर लूंगा ना तब तक इमोशनली मेंटली कोई कनेक्शन नहीं बनाऊंगा. रहमान क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? यू नो कि क्या प्रॉब्लम है, ये रूम है प्रॉब्लम, दिस टैकी बेड दैट इज द प्रॉब्लम. ये बेडशीट का फैब्रिक कितना रफ है, मुझे नहीं आदत है ऐसे रफ फैब्रिक पे सोने की, एलर्जी हो जाएगी मुझे अगर इस पे सोया तो. यू नो आई एम यूज्ड टू इजिप्शियन फैब्रिक की बेडशीट्स, ये सब नहीं चलता है मुझे. ये मैट्रेस कितना हार्ड है यार, एक रात भी इस पे सोऊंगा ना तो मेरे बैक में एक होने लग जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम. एंड लुक एट द कार्पेट, द डेकोर, एवरीथिंग इन दिस रूम, इट्स सो 80s, ऐसा लग रहा है किसी एंशियंट कबाड़ की दुकान से खरीदा है. अरमान अरमान प्लीज गुस्सा मत हो, हम यहाँ पर अपने हनीमून के लिए आए हैं, तो हम दोनों का साथ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ना कि ये रूम, यहाँ की चीजें वो जैसी भी हो, पर अगर हम साथ हैं हम इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? प्लीज जाने दो. कैसे जाने दूं सौम्या, कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये लग्जरी, हाई स्टैंडर्ड, हाई क्लास, ये सब तुम्हें मैटर नहीं करते होंगे लेकिन मुझे मैटर करते हैं, आई एम यूज्ड टू इट. Look, I can totally understand, तुम एक middle class family से हो और तुमने ये luxuries वगैरह नहीं देखी हैं, so you don't know about it. जब भी तुम अपनी family के साथ घूमने गई होगी तो किसी 2-3 star hotel में या फिर किसी धर्मशाला में रही होगी जैसे middle class लोग रहते हैं, इसलिए तुम्हें कैसे पता होगा कि high standard क्या होता है, high luxury क्या होती है. अगर किसी दाल चावल खाने वाले को पिज्जा भी दे देंगे तो उसे अच्छा लगेगा, he'll be happy. किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमने वाले को अगर एक सिंपल सी गाड़ी भी दे देंगे तो उसके लिए वो लग्जरी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है. तो सौम्या तुम मेरे हाई स्टैंडर्ड पर आओ, ना कि मुझे एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड पर लेकर जाओ. हाई टाइम यू अंडरस्टैंड, समझो इस बात को कि तुम सौम्या वर्मा फ्रॉम इंदौर नहीं हो अब, यू आर मिसेज अरमान ओबरॉय. वैसे भी ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने सब कुछ कैंसिल करवा दिया, फिर मैंने वापस रीबुक किया, एंड नाउ दिस इज हैपनिंग. एनीवे आई विल जस्ट गो एंड चेंज. अरे यार ये लोग चैन से खाना भी नहीं खाने देंगे. एनीवे एक काम करो, तुम अपने लिए कुछ दाल रोटी वगैरह कर लो ऑर्डर, मैं आता हूं. माही, मॉम क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ माही बेटा सुन ना, वो बेटा जब हम वर्ड्स की जगह वो भेजते हैं ना फेसेस, वो कार्टून जैसे जो होते हैं. कार्टून? व्हाट जस्ट, आप प्रिंस के एज के हो क्या मॉम? क्या कार्टून भेजते तो तुम लोग टेढ़े मेढ़े फेसेस होते हैं, जब जब कुछ बहुत हम लाइक करते हैं. टेढ़े मेढ़े फेस, अब व्हाट्स दैट? ओ ओ माय गॉड, यू मीन इमोजी. कौन सी मौसी जी? मौसी जी नहीं मॉम, इट्स इमोजी. इमोजी? ओ गॉड. एनीवे वैसे आपको किसको भेजना है इमोजी? सौम्या को. ओ पाप्स को. वेट लेट मी शो यू. ये देखो ये ऑप्शन है, क्लिक करना, आ गए इमोजीज, जो भी पसंद है क्लिक करो. सिंपल. उसको बताना है कि सुषमा लाइक सारी. अब कौन सी सारी लाइक की है तुमने सुषमा?
याद है ना पिछली बार जो सारी लाइक की थी उसका कलर देखकर मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। नो नॉट सारी, ये पिक्स भेजी है सौम्या ने अपने हनीमून से। मॉम आपको समझ आ गया ना, मुझे अपना प्रोजेक्ट करना है अभी, बाय। ओके तो सुषमा कह रही थी, सुषमा लाइक सारी पिक्स, आप देखे ना ये माय सन अरमान, ना हैंडसम लग रहा है ना इनमें। बेटा कितना हैंडसम है ये तो दिख रहा है, पर बहू कितना क्लोज आ गई है बेटे के ये नहीं दिख रहा। देखो सुषमा, बहू को बहू ही रहने दो, फ्रेंड बनाकर अगर सर पे चढ़ाया तो एक दिन सर पे बैठकर तांडव करेगी तुम्हारे। नो नो, सुषमा अपने हेड पे नहीं मुट्ठी में रखती है डॉटर इन लॉ को, और मुट्ठी भी एकदम टाइट करके रखती है। गुड, सिर्फ कहो नहीं सुषमा, करके दिखाओ। सुषमा इस सास तो सुषमा के होम में सास की ही चलेगी, जैसे अपनी बिग डॉटर इन लॉ को जुत्ती के नीचे दबा कर रखा है ना, न्यू डॉटर इन लॉ को भी वही रखूंगी। गुड, देखते हैं। तारा, प्रिंस का होमवर्क करवाया कि नहीं? कितनी कंप्लेन आती है, एक काम तुम्हें दिया वो भी तुम ठीक से नहीं करती हो। ये अरमान कहाँ रह गए? इन सौम्या के लिखे हुए सीन्स की रीशूट आए ही क्यों? क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज हुई ऐसे में? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सब मैंने ध्यान रखा था, इसलिए तो सौम्या मैम से लिखवाई थी सब स्क्रिप्ट सर। आई एम सॉरी सर, उनके लिखे हुए सारे सीन्स मैंने रीवर्क करके कल रीशूट के लिए रेडी कर दिए सर। क्या ये लिखे हुए सीन्स रीशूट क्यों हो रहे हैं? हाउ डेयर यू सिमी, गलती तुम्हारी है सिमी, और तुम सौम्या मैम को ब्लेम कर रही हो उसके लिए? अरे उसे कैसे पता होगा कि एक मेन राइटर बनने से पहले बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी उसे, कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ, सीन में ड्रामा, इमोशन, इन सब चीजों की जरूरत होती है, और ये दो दिन में नहीं आ जाता है। Now you tell me, सौम्या के लिखे हुए जीरो इमोशन जीरो ड्रामा वाले सीन्स पे टीआरपी आएगी? आएगी टीआरपी इससे? नो सर, सर नहीं बढ़ेगी सर टीआरपी, नहीं सर। आई एम सॉरी सर, आपके एक दिन की शूटिंग का लॉस। एक दिन का शूट मतलब 10 लाख, लेकिन ये 10 लाख का लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कंपनी ओबेरॉय टेलीफिल्म्स, ये ब्रांड स्पॉइल नहीं होने दूंगा मैं। सौम्या को जैसा भी लिखना आता है, अच्छा बुरा उसने लिखा, हमें हेल्प करने की कोशिश की उसने, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके लिखे हुए सीन्स दे आर रबिश, प्लेन बैड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।